एक वेबसाइट बना के दिखा दी गई है जो काफी सिंपल है और काफी अच्छी लग रही है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने आपको एचटीएमएल के लगभग सभी टैग्स को बता दिया है। इस वीडियोस के अंदर हम एक अच्छी सी वेबसाइट बना के दिखाएंगे आपको, बिल्कुल सिंपल और ब्यूटीफुल वेबसाइट होगी वो, किस तरह से ये बनने वाली है तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको आज HTML की मदद से एक सुंदर सी वेबसाइट बना के दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हेड टैग के अंदर हम टाइटल का यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था टाइटल के अंदर आप कोई भी टाइटल दे सकते हो। हमने यहाँ पे दिया है टाइटल हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट ओनली यूज HTML। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं टाइटल के बाद बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि बॉडी के अंदर या बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे जहाँ पर आप अपनी इमेज को लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अपनी इमेज लगा ली है और देखिए लाइव सर्वर को जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे, आप साइड में देख पा रहे होंगे आपकी भी जो भी आपका वॉलपेपर होगा या जो भी होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा वॉलपेपर है और जो हमने यूज़ किया है, जो थीम यूज़ किया है, वो यहाँ पे आ गई है, आप जैसे देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम जो यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ब्रेक टैग के बाद। अब यहाँ पे ब्रेक में देखिए, ब्रेक के बाद आप यहाँ पे लिखोगे हेडिंग। अब आपका हो सकता है कि कोई भी हेडिंग हो। देखिए यहाँ पे H3 हमने हेडिंग ली है और हेडिंग के अंदर हमने अलाइनमेंट को दिया गया है। देखिए अलाइन का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आएगा, लेफ्ट राइट या जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो। हमने यहाँ पे अलाइन के अंदर सेंटर कर दिया है। और फॉन्ट फेस क्या होता है, फॉन्ट फेस होता है आप किस तरह का फॉन्ट यूज़ करने वाले हो। जैसे कि आपने अगर वर्ड यूज़ किया हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट होते हैं, एरियल होता है, कैलिबरी होता है, काफ़ी इस तरह के फॉन्ट होते हैं। आप हमने यहाँ पे लोटो फेस का यूज़ किया गया है, फॉन्ट फेस जो लोटो है। साइज आपने हमने यहाँ पे डाल दिया है 6, कलर है यहाँ पे पर्पल। तो यहाँ पे हमने पर्पल के बाद में W4 मेकर्स यूज़ किया है, फॉन्ट को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हैशटैग NBSP ये क्या है, देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, आपने काफ़ी अलग वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, सभी ने ज़्यादातर यही यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, देखिए ये है स्पेस देने के लिए। आप जितनी बार भी NBSP का यूज़ करोगे आप उतने ही टेक्स्ट के बीच में स्पेस दे सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया है जिससे इसके अंदर एक गैप बन के आ गया है। और ये देखिए आप वहाँ पे लाइव सर्वर की मदद से देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो W4 मेकर है वो स्पेस दे रहे हैं, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है। अब देखिए हमने फिर से फॉन्ट फेस को लिया है और यहाँ पे एक नया फॉन्ट फेस यूज़ किया है, सिंजल है और इसका साइज हमने 4 रखा है। तो यहाँ पे अब हमने एंकर टैग का यूज़ किया है, एंकर टैग की मदद से आप लिंक लगा सकते हो। देखिए हाइपर रेफरेंस के अंदर हमने हैशटैग डाल दिया, आप कोई कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी लिंक आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। हमने होम टैब के अंदर देखिए फिर से हमने NBSP का यूज़ किया है, जितनी बार भी आप यूज़ करोगे उतना ही स्पेस आएगा। इसी तरह हम 4 बार लिंक लगा लेंगे और देखिए आप अपनी मर्जी से 4 या 5 जितनी भी चाहो आप लिंक लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने 5 लिंक लगाई है, आप ऊपर देख रहे होंगे लाइव सर्वर की मदद से होम टैब बन चुका है, वीडियोस बन चुकी है, फोटोज़ बन चुका है, अबाउट अस का सेक्शन बन चुका है, कॉन्टैक्ट का सेक्शन बन चुका है। अब हमने यहाँ पे देखिए ब्रेक दे दिया, आप अपनी मर्जी से जितनी लाइनों का चाहिए ब्रेक दे सकते हो। हमने BR टैग का यूज़ किया है। अब हेडिंग 1 का यूज़ करते हैं और यहाँ पे अलाइनमेंट को हमने कर दिया सेंटर। सेंटर का मतलब है कि आप जो भी टेक्स्ट चाहिए वो हमें बीचों बीच चाहिए, आप उसकी मदद से देखिए हमने यहाँ पे आप फॉन्ट फेस का फिर से लेटो का यूज़ किया है, कलर हमने रेड कर दिया, साइज हमने 6 कर दिया। और देखिए इसके बाद आप जो भी लिखोगे, जैसे हमने लिखा है, हमने अपने तीनों चैनल के नाम यहाँ पे लिख लिए हैं। हम एक बार आपको साइड में करके दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो तीनों चैनल के नाम है वो आ गए हैं, बिल्कुल सेंटर के अंदर है। अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह आप जो भी चाहिए आपको अपनी वेबसाइट के अंदर अपना टाइटल आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग 1 हमने क्लोज कर दी है, अब यहाँ पे चलते हैं एक और बार। अब यहाँ पे हमने हेडिंग 3 ले ली। हेडिंग 3 का लेने का ये मतलब है कि आप हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, हेडिंग 3 थर्ड नंबर की हेडिंग होती है जो थोड़ा छोटी होती है और वो अच्छी भी लगती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने हेडिंग 3 लिया है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम ही लाइन यूज़ की गई है, फिर से फॉन्ट फेस लेटो का यूज़ किया गया है, कलर फिर से हमने #000 यूज़ किया है जो ब्लैक कलर होता है, साइज हमने 5 यूज़ किया है। साइज का मतलब देखिए यहाँ पे होता है जो भी आपका टेक्स्ट है उसका साइज कितना होगा। और इसके बाद में हमने लिखा है यूजिंग HTML ओनली, जो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लाइव सर्वर की मदद से। अब ये हेडिंग 3 भी हमने क्लोज कर दी, फिर से आप ब्रेक टैग दे सकते हो। अब हमने फिर से हेडिंग 3 को लिया है, अलाइनमेंट उसका भी सेंटर कर दिया है और इसके अंदर हमने लगा दिया है एंकर टैग, क्योंकि अब हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह, हो सकता है आपकी कोई भी सोशल मीडिया हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर से आपको फॉन्ट फेस देना है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हम एक लाइन को बार बार यूज़ करें, जैसे फॉन्ट फेस लेटो का हम बार बार यूज़ करें और उसके अंदर सेम ही लाइन को रिपीट किया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने फॉन्ट फेस लेटो कलर पर्पल इंस्टाग्राम लिख दिया, अब जो इंस्टाग्राम वाइट में लिखा है ये आपको शो होगा। और फॉन्ट फेस को फिर से क्लोज कर दिया, हैशटैग NBSP का यूज़ कर लिया, फिर से सेम ही लाइन यूज़ की और अब की बार हमने सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन लिख दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो
कि एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो देखिए मुश्किल से आपको ये 10 मिनट के अंदर एक वेबसाइट बना के दिखा दी गई है जो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।